घृणा बड़े बड़े सामान्य चट्टान के टुकड़े, नदियों का उद्गम क्षेत्र जहां पर नदियां एकदम विलुप्त होती है ऊंचाई पर स्थित मैदान का भार, जैसे उत्तराखंड में जहां से सामान्य गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है, वो आगे पूरा क्षेत्र सामान्य भावर का मैदान है जहां पर नदियों का जल बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे रिसता है, और जैसे ही नदी सामान्यतः निकाई की तरफ आती है तो फिर मैंने अभी आपको बताया तराई का मैदान जहाँ पर सामान्यतः नदियां जो है मैदान के ऊपर प्रवाहित होती है, अपने पूरे फिलों में प्रवाहित होती है, वो सामान्यतः तराई का मैदान। और तराई के मैदान के साथ ही मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था कि जब नदी में ये बाढ़ आती है, बाढ़ आने के साथ ही नदियां अपने साथ भारी मात्रा में जलोड़क बहाकर ला रही है, और ये जलोड़क देखिए बाढ़ के साथ दूर दूर तक चले गए, और चले जाने के बाद जब सामान्यतः बाढ़ का पानी उतरा तो पानी तो उतराया लेकिन मृदा की एक परत देखिए जमा हो गई, ऐसे ही बाढ़ आई फिर एक परत जमा हो गई, एक परत जमा हो गई, एक परत जमा हो गई, हजारों सालों में सामान्यतः ये परत जमा होती रही, और उसके बाद पवन के चलने से ये जो पूरी मृदा ये दूर दूर तक सामान्यतः जो है जाकर के जमा हो गई, और हजारों सालों में क्या हुआ कि ये नदी का ही जो पूरा क्षेत्र है उसका एक भाग ऊपर वाला ये भाग सामान्यतः ऊंचा हो गया, ये भाग ऊंचा हो गया, और अब बाढ़ का पानी इन सामान्यतः मैदानी भागों तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सामान्यतः